तो गाइस स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग पे। तो आज वापस से जा रहे हैं हम लोग एक मूवी देखने के लिए। तो आपको जैसा पता चल गया होगा ये मूवी डंकी है। तो अभी बज रहे सुबह के 6, वापस से हम लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो जा रहे हैं और कल सलार भी देखने जाएंगे। जैसे कि अभी मूवी का घमासान न्यूज़ चल रहा है तो आपको पूरा डिटेल में रिव्यू देंगे कि डंकी कैसा है और सलार कैसा है। अगर आप कन्फ्यूज़ है कल तक का वेट कर लीजिए, आज डंकी का पूरा वीडियो देख लेना और कल सलार का। तो अगर आप कंफ्यूज है तो आप डिसाइड कर सकते हैं हम लोग के ब्लॉग से कि कैसा मूवी है, कौन सा बेस्ट है। तो अभी मेरे साथ है तनवीर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि शाहरुख खान का मूवी है। किसी ने नहीं पूछा। हाँ, ये शाहरुख का बहुत बड़ा फैन है और अभी आ रही है अनिशा, तो वो भी फैन है बहुत बड़ी, तो उसको आने उसका इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। तो वीडियो में बने रहिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरटेनिंग होने वाला है। अरे देखो इसको, आ गई, जाओ कहाँ? पैदल नहीं, मुझे तो पहन के आना था, मिल नहीं जाता मुझको। हो गया इसका बकवास सुन। सुबह सुबह इंसान यहाँ बाथरूम जाने में दिक्कत होता है, इसे एकदम सच के आना है। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही है तो इसका घर आ गया। ये जो पहली बार उठी है सुबह, इसका हालत खराब हो रहा है ठंड से, और मेकअप तो फुल एकदम करके जैसा कि जा रही है शादी में। नेचुरल बोल कर कुछ नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा कीट से, थोड़ा क्या बोलता है, बॉल पुट्टी से सब, तो थोड़ा मतलब कवर अप करके आई है सुबह सुबह, क्योंकि इसे लगता है कि शाहरुख स्क्रीन से इसे देखेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। अरे ठीक नहीं है वैसे, अभी मैंने चेक किया मूवी फुल हाउसफुल है, देख सकते हैं सुबह सुबह पूरा हरियाली होकर है। तो भुक्कड़ का सबसे पहले भूख लग गया है, भाजी पूड़ी खाना है। अभी जा रहे हैं हम लोग पार्किंग में कावासाकी निंजा पार्क करने अपना। तो हम लोग निकल गए, अब देखते हैं कितना क्राउडेड रहता है फर्स्ट शो शाहरुख का। तो गाइस एंट्री हो चुकी है, अब हम लोग लेनी एंट्री थिएटर पे। चल 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 चल, स्टार्ट। मैं बुकुल अग्रवाल कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं लंदन जाने की सोचू ही तो मेरी दादी मर जाए। जैसा कि आपने देखा मैं इंटरनल में और मूवी अभी से बहुत एक्साइटेड हो गई। तो अभी हम लोग ऐड एंजॉय करेंगे और मूवी बहुत एक्साइटेड होकर है, अनएक्सपेक्टेड सब कुछ हो रहा है, पूरा अलग है, जवान पठान सब से अलग है। तक तो कॉमेडी चल रहा था, अब इमोशन दिखे। तनवीर भाई रो दिए। चल
सो फाइनली गाइस डंकी ख़त्म हो गई और इतना दिन का वेट भी ख़त्म हो गया। सो मूवी बहुत ही बेहतरीन कॉमेडी और इमोशनल का फुल तड़का। आपको मूवी में एक भी सीन ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब बोर हो रहा हूँ या कुछ भी। एक एक सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सीन भी आप मिस करते तो मूवी का मेन बहुत ही मेन पार्ट आप मिस कर देंगे। और ये मूवी इमिग्रेशन पे थी, जैसे कि बहुत से लोग जैसे कि आजकल के जनरेशन इन्फ्लुएंस होते हैं कि बाहर जाकर काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये उनके लिए मस्ट वॉच। मतलब वो जो सोचते हैं कि वहाँ पर जाके ज़्यादा कमाएंगे, ये करेंगे, तो वो ज़रूर देखें ये मूवी। क्योंकि सोशल मीडिया पे या रियल में उन लोग कितना स्ट्रगल करते हैं, सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि हम लोग बहुत लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, बट सभी के साथ ऐसा नहीं होता। होता है बट सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। तो हम चाहेंगे कि वो मूवी आप देखें। अब हम अपने दोस्तों से पूछते हैं उन्हें कैसे लगी। तो मूवी बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी और शाहरुख खान का परफॉर्मेंस और राजकुमार हिरानी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इस टॉपिक पे पहले भी मूवीज़ बनी है, बट ये स्टोरी बहुत नया था और बहुत ही अच्छा काम था। और अनीशा, मुझे भी मूवी बहुत अच्छी लगी। ये SRK के फैन है, ये बेचारी बहुत इमोशनल हो जाती है इमोशनल मूवी देखकर। तो अभी हमने डंकी देख ली, अब कल सलार की बारी है। तो बने रहिए, अभी जाएंगे वापस से हम लोग, सलार का टिकट बुक करेंगे। और आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और शाहरुख का फैन है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना। और आगे भी बने रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। गाइस सलार की टिकट मिल गई, अब मिलते हैं आपसे कल। और फर्स्ट डे फर्स्ट शो है आज के जैसा। सो ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, और ये वीडियो में ज़रूर एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो प्यार दिखा ही सकते हैं आप। तो मिलते हैं कल, और कल भी ब्लॉग आएगा बहुत ही जल्दी। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।